नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 16 में आज हम डिस्कस करेंगे मेनली डलहौजी और उसके रिफॉर्म्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने विलियम बेंटिक के कार्यकाल के इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को देख लिया था। उसके बाद बेंटिक और डलहौजी के बीच में भी कुछ गवर्नर जनरल्स आए थे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं है, जो है वो आपको इस लेक्चर में मैं बता दूंगा। आज मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा डलहौजी और उसके बाद चार्टर एक्ट 1853। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर डेली फ्री क्लासेस होती हैं जिनको अवेल करने के लिए आपको केवल एक अनलॉक कोड इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप मेरा नाम यानी कि महिपाल यूज करते हैं एज अनलॉक कोड, तो आप इन सारी स्पेशल क्लासेस को फ्री में देख सकते हैं। और इन फ्री क्लासेस के अलावा यहाँ पर कुछ पेड क्लासेस भी होती हैं जिनमें बैचेस चलते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं, मान लो आप 2022-2023 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर बैच चलेगा, आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और आपकी निरंतरता बनी रहेगी। और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो या तो प्लस या आइकॉनिक, इन दो में से कोई एक सब्सक्रिप्शन हो सकता है। प्लस में आपको क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर भी मिलेगा। मेंटोर आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी डे टू डे गाइडेंस के रूप में, गाइड के रूप में काम करेंगे। यहां पर आपको इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए ये प्राइसेस पे नहीं करने हैं। इफ यू यूज द कोड महिपाल यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आपको ये वाली प्राइसेस पे करनी है, ना कि ये। आइकॉनिक में भी कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट आप सीधे तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जीएस और ऑप्शनल इन दोनों के कोर्सेज को साथ में परचेस करते हैं तो आपको प्राइस में कुछ बेनिफिट मिलेगा। और अगेन ये वाली प्राइस भी नहीं देनी है, कोड यूज कीजिए महिपाल और 10% का यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा भी अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके भी कोर्सेज अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं। अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एंड गेट अ डिस्काउंट। अब देखो, अभी तक हमने जिन गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज करा देता हूं ब्रीफली, सब कुछ रिवाइज नहीं कराऊंगा, बस नाम बता रहा हूं। फ्रांसिस हेस्टिंग्स, याद है ना, नो रिलेशन टू वॉरेन हेस्टिंग्स, 1813 से 23 तक। उसके बाद आया था एमहर्स्ट, 23 से 28। फिर बेंटिक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए येलो में हाईलाइट किया हुआ है, 28-35। अब यहां पर मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिख के स्टार मार्क क्यों किया है, क्योंकि ये तीनों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। बेंटिक के समय में टर्म चेंज करके, टाइटल को चेंज करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद आया मेटकाफ, फिर ऑकलैंड, फिर एलनबरो, उसके बाद हार्डिंग और फाइनली डलहौजी। ठीक है, तो इन यहां तक आज हम पढ़ेंगे। डलहौजी के आगे भी आया था एक कैनिंग, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसको भी यहां पर ऐड कर लेना चाहो तो ठीक है, कैनिंग नाम लिख लेना यहां पर। वो 2 साल के लिए गवर्नर जनरल था, उसके बाद वॉयसरॉय में उसकी टाइटल को चेंज कर दिया गया। तो देखो, अभी हमने बेंटिक तक की कहानी पढ़ ली है। बेंटिक के कार्यकाल में भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का था। जो भी पिंक कलर में एरिया नजर आ रहा है कंपनी के डायरेक्ट रूल में है, ब्लू कलर के स्टेट्स इनके साथ सब्सिडियरी अलायंस में है, और सिख एम्पायर के साथ भी इनका एक समझौता हो रखा है। कंट्रोल में नहीं है लेकिन दोस्त बने हुए हैं। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम तक इनकी दोस्ती बरकरार रही। रणजीत सिंह के डेथ के बाद का क्या घटनाक्रम था, फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी बेसिकली मैं बेंटिक के टाइम पीरियड तक आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहां पर सतलज नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैल चुका है, और यहां बर्मा तक भी, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर भी हो चुका है। तो यहां पर राजस्थान से लेकर बर्मा तक इतना बड़ा एरिया ये रूल कर रहे हैं। और ये सब इन्होंने कितने साल में हासिल कर लिया है, हार्डली 70 ईयर्स। आप 1757 से भी अगर आप काउंट करो तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को गिन लो 1818 तक, या फिर चलो ट्रीटी ऑफ यांडाबो को भी अगर आप मान लेते हो, तो ये कितना 70 साल के आसपास का टाइम पीरियड है, उसमें इन्होंने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब पिछले लेक्चर्स में कुछ लोगों के मैंने कमेंट देखे थे, कुछ मैसेजेस भी मेरे को आए कि अर्ल क्या है, ड्यूक क्या है, मैंने बार बार ये टर्म्स यूज किया था। कई लोग थोड़े नाराज भी हो जाते हैं जब लॉर्ड वगैरह टर्म इस्तेमाल कर लेता हूं, मैं तो नहीं बोलता हूं, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, मैं तो इनको ऐसे ही बोलता हूं, बेंटिक, मेटकाफ, ऑकलैंड, लेकिन ये इनके सबके उपाधियां हैं इनकी। ठीक है, इनके रियल नाम नहीं थे, इस लेक्चर में मैंने इनके रियल नाम भी जोड़े हैं, ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए आप जान लो। तो देखो, इंग्लिश पियरेज सिस्टम क्या होता है, ये मैंने पिछले एक लेक्चर में वर्बली बता भी दिया था, आज लिखकर बता देता हूं। तो ये लेवल होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ये उपाधियां रहती है। तो सबसे नीचे होते हैं बैरन, फिर होते हैं वाइकाउंट, एस साइलेंट होता है, ठीक है, विस्काउंट नहीं होता, वाइकाउंट बोलते हैं, फिर होता है अर्ल, फिर होता है मार्क्वेस, और उसके बाद होता है ड्यूक, और ड्यूक के ऊपर होता है सीधा प्रिंस, और प्रिंस के ऊपर होता है किंग, ठीक है, किंग या क्वीन। तो ये इनकी पियरेज है, यानी कि ये टाइटल्स होते हैं, उपाधियां होती है ये। तो अब देखो, आप आमतौर पर क्या होता है कि किंग तो एक ही होगा, प्रिंस एक ही होगा, जो राजा का बेटा है वो प्रिंस होगा। ड्यूक जो है छोटे बेटों को, या फिर राज परिवार में अन्य भाई भाई होते हैं, इनको ड्यूक की उपाधि दे देते हैं। मार्क्वेस थोड़ी सी ऊंची उपाधि है, सबको नहीं मिलती है, कोई बहुत महान काम करता है तो उसे जनरली मार्क्वेस बनाया जाता था, जैसे कि डलहौजी को बनाया गया था जब उसने पंजाब को एनेक्स कर लिया था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद में, तो डलहौजी जो पहले अर्ल था उसको मार्क्वेस बना दिया गया।
ठीक है। और ज्यादातर जो यहाँ पर गवर्नर जनरल आते थे वो या तो वाइकाउंट होते थे या अर्ल होते थे। मार्क्वेस बहुत ही कम आए थे, डलहौजी बिकेम अ मार्क्वेस यहां आने के बाद। लेक्चर नंबर 14 में मैंने कुछ कमेंट्स देखे जिनमें लोगों ने पॉइंट आउट किया कि रूसो ने नहीं बल्कि मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्राइन को बताया था। आपकी बात सही है, लेकिन देखो मेरा वहां पे कंटेक्स्ट अलग था, ध्यान से समझना। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि सरकार के अंदर पावर अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी अलग ऑर्गन हो, एग्जीक्यूटिव अलग ऑर्गन हो और लेजिस्लेटिव अलग हो। लेकिन रूसो ने यह आइडिया दिया था कि सारा पावर किसके पास हो, जनता के पास, और जनता के अंदर भी उसको यह भरोसा नहीं था कि इंडिविजुअल के रूप में बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल। और रूसो ये कहता था कि सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग लोगों के पास में जाए, तो अलग एग्जीक्यूटिव एजेंसी बना दो, अलग लेजिस्लेचर बना दो, जो अलग कानून बनाएगा, अलग लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा था कि सरकार अगर है तो सरकार के अंदर पावर को सेपरेट कर दो, और रूसो ने यह कहा था कि लोगों को पावर दे दो और एक लोग क्या एक इंसान के हाथ में सारी पावर मत दो, उसमें भी डिविजन होना चाहिए। तो रूसो भी पूरी तरह से गलत नहीं है, आप मेरा कंटेक्स समझने की वहां पे कोशिश करो। कॉर्नवालिस वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उस समय जो ये सारे थिंकर्स थे 18th सेंचुरी के, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन सबको पढ़ता था, वो पढ़ा लिखा आदमी था, है ना। आप भी पढ़े लिखे इंसान बनो, अच्छी बात है। जिन्होंने कमेंट किया था, आई रियली अप्रिशिएट इट, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है। मे बी आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, लेकिन जो भी है आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है, इसीलिए आप कमेंट कर पाए, क्वेश्चन कर पाए, एंड दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1835 में मैकॉलेज मिनट एक स्पीच आती है। मिनट क्या होता है, बेसिकली किसी भी मीटिंग के जो डिटेल्स होती हैं उसको मिनट कहा जाता है। तो मैकॉले ने 1835 में एक फेमस स्पीच दी थी। मैकॉले कौन था, लॉ कमीशन का मेंबर था और उसके अधीन लॉ कमीशन बनाया गया था, और वो लेजिस्लेटिव मेंबर था काउंसिल का, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका मेंबर था, काफी सीनियर व्यक्ति था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैकॉले ने यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को देखा और उसने ये सुझाव दिया कि जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनको वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की पढ़ाई के लिए हमें डिवोट करना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होनी चाहिए। तो मैकॉले का मिनट काफी फेमस है 1835 में। यहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो पॉलिसी स्टार्ट होती है जिसमें जिसको हम आज भी कहते हैं कि ये मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था है, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था। इसकी काफी आलोचना भी होती है, जैसे पिछले साल जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस समय भी ये मुद्दा वापस उठा था। तो बेसिकली मैकॉले ने ये कहा था कि भारत में हमें भारतीय लोगों के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे, हम अपना वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न लिटरेचर इन्हें पढ़ाएंगे और इंग्लिश में पढ़ाएंगे। और उसने कहा था कि सारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंग्लिश ही अकेला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सारी पढ़ाई अंग्रेजी में हो, और पॉलिसी क्या हो कि केवल कुछ इंग्लिश स्कूल और कॉलेज होने चाहिए, बहुत सारे एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी स्कूल्स की आवश्यकता नहीं है। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल। तो उसका यह कहना था कि प्राइमरी स्कूल मत बनाओ, बस इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस और कुछ अच्छे स्कूल्स बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से मैकॉले की नीति के अनुसार मास एजुकेशन यानी कि जनता की पढ़ाई पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दी गई, केवल कुछ लोगों की शिक्षा के लिए उसने अपने विचार व्यक्त किए थे। और उसका यह मानना था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होगा समाज में, भारत के समाज में। इसका क्या मतलब है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का, मान लो ये पिरामिड है, तो इसमें मैकॉले कह रहा है कि सिर्फ टॉप के कुछ परसेंट लोगों को पढ़ा लो, टॉप टू टीयर को पढ़ा दो, फिर ये लोग जब अंग्रेज बन जाएंगे पूरे तो ये अपने नीचे वाले लोगों को पढ़ाएंगे, थोड़ा समाज में सुधार करेंगे और उनको धीरे धीरे अंग्रेज बनाएंगे। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारा यानी कि मैकॉले का कहना था कि अंग्रेजों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भारत के समाज के सबसे टॉप लोग हैं, सबसे उच्च वर्ग है, वो अंग्रेज बन जाए, हमारी तरह सोचें, वो इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, यानी कि केवल उनकी हार्ड मास हिंदुस्तानी हो, बाकी वो पूरी तरह से अंग्रेज हो, अपने सोच विचार में, अपने व्यवहार में, अपने मॉरल्स में, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में पूरी तरह से वो अंग्रेज होने चाहिए। ये मैकॉले की नीति थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी थी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी किससे रिलेटेड है। और उसका ये मानना था मैकॉले का कि ये जो टॉप क्लासेस हैं, जब ये अंग्रेज बन जाएंगे ना, तो ये हमारे यानी कि अंग्रेजों के और बाकी के भारत के लोगों के बीच में, यानी कि जो बाकी के 90% लोग हैं उनके बीच में एक लिंक या कड़ी का काम करेंगे, और वो हमारे लिए इंटरप्रेट करेंगे कि सब कुछ अंग्रेजों की पॉलिसी कैसे इंडियंस के लिए काम करेगी। तो इससे मैकॉले का मानना था कि यहाँ के लोगों का फायदा होगा, वर्नैक्युलर यानी कि यहाँ के देसी लोग बेसिकली, तो उनका फायदा होगा अगर हम वेस्टर्न साइंस या लिटरेचर उन्हें पढ़ाते हैं, और धीरे धीरे वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी नॉलेज अगर हम शुरुआत कुछ लोगों से ऊपर से करते हैं। तो ये थी मैकॉले की मिनट और मैकॉले का फिल्ट्रेशन थियरी, और इसको काफी हद तक अपना भी लिया गया था। बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकाफ को एक साल के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया, छोटा सा कार्यकाल था इसका, लेकिन एक काम के लिए बहुत फेमस है, कौन सा काम, प्रेस एक्ट बनाने के लिए। तो इसने प्रेस को काफी लिबरलाइज कर दिया, इसीलिए इसे लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा जाता है, मेटकाफ। सीधा पूछ लेते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का ये, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कौन है, चार ऑप्शन दे दिए, उनमें से आपको सही जवाब देना होगा। अच्छा, एक और इसने काम कराया था कि मुगल एम्परर के नाम पर अभी भी कुछ सिक्के मिंट किए जा रहे थे, उसको इसने कंप्लीटली बंद करा दिया। हालांकि इन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी थी, बहुत साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ सिक्के मुगल एम्परर के नाम में बनाए जा रहे थे, वो इसने पूरा प्रोसेस रुकवा दिया। तो इसका एक इंपॉर्टेंट बस निर्णय यही था कि ये प्रेस एक्ट लेकर आया,
प्रेस एक्ट ने 1823 में जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन लाए गए थे फ्रांसिस हेस्टिंग्स के द्वारा, उनको पूरी तरह से हटा दिया। तो वहां भी थोड़ी बहुत सेंसरशिप तो थी, इसने ये पूरी तरह से हटा दी। इस मेटकाफ एक्ट के कारण भारत में न्यूज़पेपर्स की बहुत वृद्धि हुई, रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स। और इसमें बस ऐसा प्रावधान था कि आपको कुछ सर्टन पैसे देने, फीस देनी है, और आप अपनी प्रेस चला सकते हो, प्रिंटिंग प्रेस लगाकर अखबार छाप सकते हो। हाँ, अगर सरकार चाहे यानी ब्रिटिश हुकूमत चाहे तो अखबार का प्रिंटिंग बंद करवा सकती है अगर वो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे देते हैं। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड। अब इसका एक्चुअल नाम क्या होता था? जॉर्ज ईडन। लेकिन अब इतिहास की किताबों में इसको जॉर्ज या ईडन नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है ऑकलैंड, क्योंकि ये ऑकलैंड नाम की जगह का अर्ल था। इंग्लैंड में ऑकलैंड एक एरिया है, काउंटी है, वहां का ये अर्ल था, तो इसीलिए इसको सब जगह लॉर्ड ऑकलैंड कहा जाता है और हम लोग इसको हिस्ट्री की बुक्स में जनरली ऑकलैंड के नाम से लिखते हैं। तो ये 36 से 42 तक गवर्नर जनरल था। इसके समय में क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे एंग्लो सिख और सिंध के एनेक्सेशन में। तो मेनली ट्राइपार्टाइट ट्रीटी इसके समय हुई थी, याद है ना, शाह शुजा, महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इसके कारण एंग्लो अफगान वॉर हुआ था और उसमें बुरी तरह से ब्रिटिश हार हुई थी, जिसके कारण इसको वापस बुला लिया गया। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स का इससे भरोसा उठ गया एंग्लो अफगान कैंपेन के, अफगान कैंपेन के कारण, और इसीलिए इसको वापस बुलाया गया था। और इसी के समय काल में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। ईडन के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर विलियम एडम था, जो बिहार और बंगाल में पोस्टेड था, तो उसने इन दो प्रांतों की वर्नैक्युलर एजुकेशन यानी लोकल भाषा में जो पढ़ाई होती थी स्कूलों में, उसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट्स दी। 35, 36, 38 तीन बार इसने रिपोर्ट दी और इसने बताया कि क्या क्या कमी है वर्नैक्युलर एजुकेशन में और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बस एडम्स रिपोर्ट नाम से कभी पूछा जा सकता है, जैसे वुड्स डिस्पैच आएगा आगे तो वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी एडम्स रिपोर्ट भी ऑप्शन में डाला जा सकता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल कभी कोई नहीं पूछेगा, बस प्रिलिम्स में ध्यान रख लेना इतना सा नाम। ऑकलैंड ने पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पास करवाया और इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर ब्रिटिश हुकूमत ने, अब तो मैं उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कहूं तो ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी तो केवल नाम की बची है, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने चिट्ठी बांटने का काम पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया, एक्सक्लूसिव राइट्स हो गए। तो अगर किसी का मन भी है कि कोई वो पोस्टल सर्विस चालू करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि DHL कुरियर खोल के बैठ गया आप उस समय, वो अलाउड नहीं था। ठीक है, केवल सरकारी पोस्ट और वो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन किसी और के हाथ में आप नहीं दे सकते। जैसे आज भी भारत के अंदर अगर आपको फोन कंपनी चालू करनी है तो आपको एयरटेल या वोडाफोन जैसी कंपनी बनानी है तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी। और एक समय केवल सरकारी टेलीफोन कंपनी हुआ करती थी, भारत में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी। तो कम्युनिकेशन को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही काम इन्होंने उस समय किया। ऑकलैंड के बाद अगला गवर्नर जनरल आया एलन बरो। ठीक है, तो ये भी अर्ल ऑफ एलन बरो था, इसका नाम था एडवर्ड लॉ। अब ये सब नाम याद मत रखना, खाली इंटरेस्ट के लिए मैं आपको वो पीयरेज वाला सिस्टम समझाने के लिए आज मैंने इनके ओरिजिनल नाम डाले हैं। ठीक है, आप तो बस ऐसे याद रख लेना, एलन बरो इसका नाम था और ये 42 से 44 दो साल के लिए था। आपको लगेगा कि इसका दो साल में कंपनी वालों का इससे भरोसा उठ गया, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये खुद कंपनी में बहुत पावरफुल फिगर था, ये अपनी पूरी जिंदगी ईस्ट इंडिया कंपनी में इसने बिताई थी। इनफैक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर याद है आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद करो, पिट्स इंडिया एक्ट, दो अलग अलग वो बना दिए गए थे। तो ये उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चार बार अध्यक्ष रहा था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने मेंबर्स में से एक था। इसने अपना ऑलमोस्ट पूरा करियर ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बिताया था। तो ये आया, इसको मजा नहीं आया यहाँ पे दो साल गवर्नर जनरल बन के, बोले ठीक है अपना लंदन में जॉब अच्छा था वहीं बैठेंगे। इसने आकर बेसिकली अफगानिस्तान वॉर में जो ऑकलैंड ने गलतियां करी थी उसको सुधारने की कोशिश करी। इसके टाइम पीरियड में सिंध फाइनली एनेक्स कर लिया गया चार्ल्स नेपियर के द्वारा और ग्वालियर के साथ एक छोटा सा युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने ग्वालियर की सिंधिया डायनेस्टी को हरा दिया और उसके बाद वापस सिंधिया डायनेस्टी ने कभी इनके खिलाफ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करी। एलन बरो के कार्यकाल में पढ़ाई से संबंधित एक इवेंट है, याद रख सको तो ठीक है, नहीं रख सको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में बेसिकली आज का आगरा, उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड वाला एरिया आता है, वहां पर जेम्स जॉनथन नाम का एक सीनियर ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था प्रांत का। उसने क्या करा कि हर तहसील में एक सरकारी स्कूल स्थापित किया जो मॉडल स्कूल का काम करेगा और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल स्थापित किया गया। और ये कौन से टीचर्स हैं? जो वर्नैक्युलर स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, यानी कि लोकल भाषा, जैसे उर्दू के स्कूल हैं या फिर जो संस्कृत स्कूल्स हैं उनमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इसने एक स्कूल स्थापित किया। तो ये काफी एक अच्छा नवाचार है, माना नया काम कर रहा है ये जेम्स जॉनथन। इसको लगता था कि नहीं वर्नैक्युलर में होना चाहिए, ये मैकॉले से सहमत नहीं था इतना, तो इसने मैकॉले के मिनट ऑफ मैकॉले के विपरीत जाकर इसने ये वाला एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी। अब देखो, आप देख रहे होगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से लगातार कुछ ना कुछ एजुकेशन पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, एक एजुकेशन पर स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें ये सारी बातें लाइन से एक बार रिपीट होंगी और कुछ मिस भी हो जाएगा अगर तो उसको भी हम पढ़ेंगे, तो एक क्या सीक्वेंस में आपको सारी बातें याद रह जाएगी। तो अभी नहीं, ये थोड़े टाइम बाद हम करेंगे, प्रोबेबली 1857 के बाद ये लेक्चर आ जाएगा। अगला है हेनरी हार्डिंग।
हेनरी हार्डिंग जो है ये 44 से 48 तक था, इसके समय में क्या इंपॉर्टेंट घटना होती है, बस एंग्लो सिख वॉर, ये याद रख लेना, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, और इसने बेंटिक के द्वारा लाए गए फीमेल इन्फेंटिसाइड कानून को अच्छे से इंप्लीमेंट किया। तो बेंटिक कानून बनाकर चला गया था लेकिन इंप्लीमेंट करवाने का उसके पास टाइम नहीं था, हार्डिंग ने आकर उस कानून को थोड़ा अच्छे से स्ट्रिक्टली एनफोर्स करवाने की कोशिश करी, ह्यूमन सैक्रिफाइस भी इसने रोकने की जो एनफोर्समेंट है वो इसने किया। तो हार्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डिंग के बाद आता है डलहौजी। डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय आप पढ़ोगे उनमें से डलहौजी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉर्नवालिस के जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे हैं। अब कॉर्नवालिस ने तो क्या रिफॉर्म किए थे, लेकिन डलहौजी ने तो नई चीज़ें करी थी बहुत सारी, है ना। डलहौजी बहुत चीज़ों का पिताजी है, बहुत चीज़ों का फादर है, ये पोस्ट का, टेलीग्राफ का, रेलवेज का, सबका पिताजी बनेगा डलहौजी। तो जेम्स ब्राउन रामजे ये इसका पूरा नाम था, और इसकी उपाधि क्या थी, इसके पिताजी डलहौजी के अर्ल थे, तो पहले ये कहलाता था लॉर्ड डलहौजी, इसके पिताजी की मृत्यु के बाद ये बन गया अर्ल डलहौजी। और भारत आने के बाद जब पंजाब को एनेक्स कर लिया गया 1849 में, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी खुश हुई कि अरे वाह, आपने तो पूरे पंजाब प्रांत को एनेक्स कर लिया, गजब, इतना बड़ा प्रांत था, महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर अब हमारे पास है, तो चलो आपको एक नया टाइटल दे देते हैं, तो इसको मार्क्वेस बना दिया गया। तो मार्क्वेस जो है वो ड्यूक के बाद एक तरह से सेकंड हाईएस्ट टाइटल है, तो इसको अच्छा अच्छी खासी इसको उपाधि दे दी गई थी। और बाय द वे ये बहुत यंग था, ही वाज जस्ट 36 इयर्स ऑफ एज जब ये भारत आया था, तो ये केवल 36 साल का था, आप समझ रहे हो, भारत जितने बड़े कॉलोनी को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 36 साल के जवान आदमी पर दांव खेला था, और दांव काफी हद तक ठीक भी निकल गया था, और पूरे 200 साल में ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल है। इसके बाद सेकंड यंगेस्ट कौन था बताऊं आपको, कर्जन आया था 40 साल की उम्र में। कर्जन कब आया था, 1899 में, ये वही कर्जन है बंगाल पार्टीशन वाला, 1905 में जो बंगाल का विभाजन करके गया था वो 40 की उम्र में आया था, और सेकंड यंगेस्ट था। सबसे जवान था डलहौजी, जस्ट इमेजिन 36 की एज पे मान लो आज कोई प्रधानमंत्री बन जाए, उस तरह की बात हो जाएगी ये। तो डलहौजी जब भारत आया जवान था, बहुत सारी एनर्जी थी इसमें, बहुत कुछ करना चाहता था और बहुत कुछ इसने किया भी। तो डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जा सकता है, इस तरह का सवाल एक यूपीएससी ने 2013 के मेंस में पूछा था, और उस सवाल के जवाब में आपको क्या बातें लिखनी थी, यही सब लिखना था, टेलीग्राफ लाया, रेलवे लाया, बेसिकली मॉडर्न इंडिया का डेवलपमेंट इसने शुरू कराया, एक नई टेक्नोलॉजिकल क्रांति इसने लाई। अब इसके द्वारा किए गए बहुत सारे काम है, सबको याद रखना, प्रीलिम्स में भर भर के सवाल आते हैं इसके कार्यकाल से, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी रेड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोलूंगा भी नहीं डलहौजी में कि ये मार्क कर लो, ये स्टार लगा लो, सब कुछ इंपॉर्टेंट मान लेना बाय डिफॉल्ट, स्पेशली जो लाल रंग से लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो डलहौजी ने सबसे पहले टेलीग्राफ की स्थापना कराई, टेलीग्राफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, कम्युनिकेशन का साधन था। तो टेलीग्राफ लाइंस को लगाने का काम शुरू होता है 1852 में, और पहली टेलीग्राफ लाइन आगरा से कलकत्ता के बीच में कनेक्ट करती है 1854। और ये सारा जो काम है 4000 मील टेलीग्राफ लाइनों को बिछाने का, ये जिस ऑफिसर के अंडर में करवाया गया था उसका नाम था ओ'शॉनेसी। अब आई एम श्योर कि आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, लेकिन अगर गलत भी कर रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंग्रेजों की औलाद ये वीडियो देख रहे होंगे, और अगर देख रहे हो तो माफ करना भाई साहब, ओ'शॉनेसी ही प्रोनाउंस कर पाऊंगा मैं। तो ओ'शॉनेसी नाम है ना, अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो डलहौजी ने टेलीग्राफ की लाइनें बिछवाई थी, ये काफी पुराना और घिसा पिटा सवाल हो चुका है, तो अब इस तरह के सवालों पे थोड़ा सा ध्यान देना, तो ओ'शॉनेसी नाम याद रख लेना, कलकत्ता से आगरा। और ये वाले जो टेलीग्राफ लाइनें हैं ना, ये इनको 1857 की क्रांति में बहुत मदद करेंगी आगे चलकर, क्योंकि जो रेबेल थे उनके पास कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, मॉडर्न कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, और अंग्रेजों के पास थे, एंड दिस टर्न टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर्स इन द ब्रिटिश विक्ट्री इन 1857। फिर इसने इंडियन पोस्टल सिस्टम को थोड़ा सा सही किया, यानी पोस्टल सिस्टम की शुरुआत तो हो गई थी, वो कानून तो बना के चले गए थे पहले वाले, लेकिन इन्होंने काम ज्यादा कुछ किया नहीं था। तो डलहौजी ने आकर उसको पूरा रेगुलेट किया, जगह जगह पोस्ट ऑफिस स्थापित किए, पोस्टल स्टैंप्स इसने चालू करे, सबसे पहले सिंध में, ठीक है, सिंध की स्पेलिंग कभी कभी ऐसे भी लिखी जाती थी इसलिए मैंने जानबूझ कर यहां लिखी है, दोनों सही है अंग्रेजों के अनुसार, हम तो अब आजकल सिंध लिखते हैं, पाकिस्तान वाले पता नहीं क्या लिखते हैं, कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो कमेंट करके बताना क्या स्पेलिंग चलती है आजकल। 1852 में इसने पहला पोस्टल स्टैंप सिंध में छपवाया, उसके बाद 1854 में मॉडर्न पोस्टल सिस्टम आया पूरे भारत में, और सब जगह इसने पोस्टल स्टैम्प्स छापने शुरू कर दिए, और पोस्टल रेट बराबर था, जैसा आज होता है ना कि आप चाहे चेन्नई में पोस्टल टिकट खरीदो या दिल्ली में खरीदो एक ही रेट होगा, तो ये सिस्टम पहले नहीं होता था, डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। और यहां पर एक और फैक्ट याद रख लेना कि दुनिया में मॉडर्न, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखो पूरी दुनिया में, तो पहला पोस्टल सिस्टम यूएसए में शुरू होता है अंडर बेंजामिन फ्रैंकलिन 1775 में, जब उनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। तो ये कुछ अंग्रेजों के समय के पोस्टल स्टैम्प्स हैं, इंटरेस्ट हो तो पॉज करके पढ़ लेना, देख लेना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
फिर इसने रेलवेज की स्थापना कराई। एक्चुअली डलहौजी जब भारत आया था उससे पहले वो इंग्लैंड में भी रेलवेज के अंदर काफी काम कर रहा था, वहां पर जो रेलवे कंपनीज थी उसका वो चेयरमैन टाइप था और इंग्लैंड में भी उसने बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया था। तो इसीलिए जब वो भारत आया तो रेलवेज उसका पेट प्रोजेक्ट था। तो 1853 में पहली रेलवे लाइन चालू हो गई थी बॉम्बे से थाने तक। ये तो आई थिंक अब सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि आज का जो बॉम्बे शहर है, थाने तो उसी का सबब बन चुका है अब मुंबई शहर का। तो उस समय बॉम्बे से थाने तक की ये रेलवे लाइन चालू हुई थी 1853 में। और 1854 में सेकेंड लाइन चालू हुई थी कलकत्ता से रानीगंज कोलफील्ड तक, तीसरी हुई थी मद्रास से अरक्कोनम तक। अब आपको सेकेंड और थर्ड भी याद होनी चाहिए, फर्स्ट वाले के पूछने के जमाने गए। रेलवेज पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल बनता है, इस तरह से उसको फ्रेम किया जा सकता है कि रेलवेज बनाने की आवश्यकता क्या थी अंग्रेजों को, क्यों इन्होंने इतने सारे रेलवे लाइन बिछाए, पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क बनाकर चले गए। क्या उनका मकसद ये था कि भारत के लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, हमारी सहूलियत के लिए बनवाया था? नहीं, उन्होंने अपने कमर्शियल और डिफेंस इंटरेस्ट के लिए रेलवे को बनाया था, मेनली कमर्शियल था, बाद में आगे चलकर डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी हो गए, बट द इनिशियल रीजन वॉज कमर्शियल। कमर्शियल कैसे कि मान लो मध्य प्रदेश वाला एरिया जहां पर आज भी कपास बहुत अच्छे से उगता है, तो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो इंटीरियर रीजन्स हैं, वहां से बॉम्बे तक कॉटन लाने में कई बार हफ्ते महीने लग जाते थे, लेकिन रेलवे के माध्यम से ये काम कुछ दिन में हो सकता था, 2 या 3 दिन में आराम से ट्रेन पहुंचा देती थी, तुरंत उसको ट्रांसपोर्ट कर दो आगे इंग्लैंड की मिलों में पहुंचा दो, वहां उससे कपड़े बनेंगे, तुरंत वापस आ जाएंगे और उनको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इंटीरियर रूरल एरियाज में मार्केट्स में पहुंचा दो और वहीं पर वो कपड़े बेचो। तो इस तरह का जो काम है कमर्शियल इंटरेस्ट उसको बहुत कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, इसीलिए ये रेलवे लाइंस बिछाई गई थी। और अगर आप रेलवे नेटवर्क देखोगे तो शुरुआती नेटवर्क जो है वो पूरा कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण है, उनका लक्ष्य ये नहीं था कि आबादी एरियाज को कनेक्ट करो, लक्ष्य ये था कि जहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वहां से पोर्ट सिटीज को कनेक्ट किया जाए, ये ओरिजिनल उनका उद्देश्य था। बाद में उनको पता चला कि देखो ये तो डिफेंस में भी बहुत काम का है, कहीं पर बगावत हुई तुरंत फौजों को बिठाओ ट्रेन में और पहुंचा दो 2 दिन में उस जगह, पहले महीने 2 महीने लग जाते थे, है ना, जैसे वो याद है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, सीज ऑफ कलकत्ता, कहाँ पे वो आया था सिराजुद्दौला कलकत्ता को जीत कर चला गया, कुछ महीने बाद रॉबर्ट क्लाइव पहुंच पाया था। अब वो सब नहीं है, अब तो 5-6 दिन के अंदर कहीं भी पूरे भारत में पहुंच सकते थे। रेलवे नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए पैसा आता रहे उसके लिए डलहौजी ने एक अनोखा सिस्टम इजाद किया, उसने कहा कि गारंटी सिस्टम है, अगर आप भारत में आकर रेलवे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो पैसे तो 5% मिनिमम आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा मिनिमम। तो है ना, इससे क्या होता था कि पैसा आराम से आ जाता था, ये बेसिकली FDI लाने का एक तरीका था उस समय की, ये स्कीम थी कि आप आओ, यानी कि इंग्लैंड के जो अमीर लोग हैं वो आए और भारत में रेलवेज में इन्वेस्ट करें ताकि उनको मिनिमम 5% गारंटीड है, ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी कहा जाता है क्योंकि उसी ने इस सर्विस की स्थापना करी थी, कई सारे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कराया, अपर गंगा कैनाल जो है आज हरिद्वार के पास में उसका कंस्ट्रक्शन इसी के समय पूरा हुआ था डलहौजी के कार्यकाल के समय। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको हम आमतौर पर PWD कहते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को अलग से स्थापित इसी ने किया था। इसने कहा था कि हर प्रोविंस में एक अलग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होगा जिसका काम यही होगा कैनाल बनाना सड़कें बनाना, तो इसके लिए एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया और इसने एक्स्ट्रा फंड दिए कैनाल्स और रोड्स के लिए। कुछ जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि IIT रुड़की की स्थापना जब इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी तो वो भी डलहौजी ने करवाई थी, लेकिन ये फैक्ट है ना पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हो गई थी जब डलहौजी आया नहीं था। लेकिन ये बात भी सही है कि डलहौजी के आने के बाद उसने वहां पैसे वैसे दिए ताकि प्रॉपर कॉलेज सेटअप हो सके। यहां पर तो ये बिल्कुल एक मेकशिफ्ट स्टेटस जैसा था इसका, तो प्रॉपरली कॉलेज के रूप में ये एस्टैब्लिश हुआ था IIT रुड़की 1852 में, और इसको तब कहा जाता था थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज इसका नाम था, ठीक है, थॉमसन। और इसको भी आप कह सकते हो कि डलहौजी के कार्यकाल में हुआ तो उसने करवाया, लेकिन टेक्निकली उसने एस्टैब्लिश नहीं करवाया था। ओके, तो कई जगह मैंने देखा है कि IIT रुड़की का भी श्रेय इसी को दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की स्थापना इसने करवाई थी। फिर आते हैं वुड्स डिस्पैच पे। वुड्स डिस्पैच क्या है? ये एक चिट्ठी लिखी गई थी किसके द्वारा? चार्ल्स वुड के द्वारा। चार्ल्स वुड कौन था? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, याद है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हुआ करता था। और इसने लंदन में बैठे बैठे एक चिट्ठी लिखी थी यहां पर डलहौजी को, और डलहौजी को कहा था कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारो। और वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स वुड को जनरली प्रॉब्लम थी कि ये जो मैकॉले वाला सिस्टम है ये सही नहीं है और इसमें बदलाव की जरूरत है। तो इसने अपनी इस लंबी चौड़ी चिट्ठी में बहुत सारी बातें कही थी, हालांकि इसके द्वारा सुझाए गए सारे आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन फिर भी इसका प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार किसी इंग्लिश ऑफिसर ने या फिर इंग्लिश पॉलिसी मेकर ने भारत में सभी की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, मास एजुकेशन के बारे में कोई प्लान बनाया गया।
तो इसने ये प्लान बनाया था क्योंकि इसको वो पुराना वाला जो प्लान था ना मैकॉले का, वो पसंद नहीं था। उसने कहा था ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी वेरी सब बकवास है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, और उसके लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा, ग्रांट इन एड देने पड़ेंगे हमें प्राइवेट स्कूल्स को भी, ताकि प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं उनको भी सरकारी सहायता प्राप्त हो। तो इसका बेसिक प्लान क्या था ये समझ लो। इसने कहा था कि एक तो प्राइमरी स्कूल होने चाहिए हर गांव में, और उनको लोकल भाषा के अंदर आप पढ़ाई करवाओ वहां पर। तो वर्नैक्युलर स्कूल में वहां की जो भी लोकल भाषा है, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, उन भाषाओं में बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर हाई स्कूल के लेवल पर इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस कर दो। उसके बाद हर जिले के अंदर एक कॉलेज होना चाहिए, और कॉलेज में पढ़ाई केवल इंग्लिश में हो, ठीक है। तो इसने क्या क्या कहा था याद रख लेना, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए हायर स्टडीज के लिए, और वर्नैक्युलर यानी कि लोकल भाषा होनी चाहिए पढ़ाई का माध्यम स्कूल लेवल पर। उसके अलावा इसने कहा कि यूनिवर्सिटी स्थापित करो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो आइडिया डलहौजी के समय आ गया था, डलहौजी ने इस पर काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन एक्चुअली में ये तीनों यूनिवर्सिटी स्थापित किसके समय में होंगी, जो अगला गवर्नर जनरल आएगा कैनिंग, तो कैनिंग के टाइम पर ये तीनों यूनिवर्सिटी स्थापित होती हैं, लेकिन आइडिया डलहौजी के समय आ गया था। वुड्स डिस्पैच में भी इसका मेंशन था। फिर इसमें महिला शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन दोनों के बारे में कहा गया, टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में कहा गया। इनफैक्ट आप इस वुड्स डिस्पैच को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो शायद आजाद भारत की शिक्षा नीति है, इतना ही अच्छे तरीके से उसने लिखा था। और इसमें सेक्युलर शिक्षा की बात करी गई थी, उसने कहा था कि ये मदरसे में या फिर धर्म की जो शिक्षा होती है संस्कृत स्कूल में, ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी शिक्षा हो, चाहे माध्यम कोई भी हो, वर्नाक्युलर या इंग्लिश, इट शुड बी कंप्लीटली सेक्युलर। धर्म वर्म के बारे में स्कूलों में मत पढ़ाओ, केवल साइंस, लिटरेचर, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएं। फिर आते हैं सोशल रिफॉर्म्स पर। तो देखो, डलहौजी खुद कोई सामाजिक क्रांति लेकर नहीं आया था, लेकिन उसके समय में कई सारे क्रांतिकारी आ गए थे जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, और उनके प्रेशर के कारण डलहौजी ने कुछ कानून बनाए थे। जैसा कि राजा राम मोहन रॉय के प्रेशर के कारण बेंटिक ने सती प्रिवेंशन एक्ट पास किया था, उसी प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रानी रोशमनी के कहने के कारण विडो री मैरिज एक्ट पारित किया गया। अब यहां पर मैंने स्टार मार्क क्यों किया है 1856 पर, क्योंकि देखो साल 1856 था, डलहौजी के कार्यकाल के अंदर ये सारा एक्ट ड्राफ्ट कर लिया गया था, लेकिन एक्चुअली में कानून पास किसके समय में हुआ था, अगले गवर्नर जनरल के दौरान, कैनिंग, ठीक है। तो डलहौजी है ना फरवरी में वापस चला गया था, फरवरी 1856, उसके बाद कैनिंग आ गया और ये वाला कानून पास हुआ था जुलाई में, लेकिन इसका सारा काम डलहौजी करके गया था, जो ड्राफ्टिंग वगैरह है वो सब कुछ डलहौजी ने कर दी थी, तो बस ऑफिशियली कैनिंग के अंदर में पास हुआ। तो कई जगह मैं देखता हूँ कि इसको गलत पढ़ाया जाता है, कहते हैं कि डलहौजी के कार्यकाल में ये पास हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कैनिंग के कार्यकाल में पास हुआ था, लेकिन श्रेय पूरा डलहौजी को भी जाता है। तो यहां पर आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जा सकता है इस कानून का नाम देकर कि किस गवर्नर जनरल का ज्यादा रोल था, तो अच्छे से ऑप्शंस पढ़ना, शांत दिमाग से आंसर को टिक करना, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानी रोशमनी, ये मतलब बंगाल में लेजेंडरी रिफॉर्मर्स हैं, और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में हम एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सारे सोशल रिफॉर्मर्स आपको मैं पढ़ा दूंगा। डलहौजी ने प्लान कर लिया था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा, लेकिन 57 में जाकर स्थापित हुई थी अंडर कैनिंग। फिर इसके समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं सिविल सर्विस के, वो ओपन हो गए, यानी उसमें भारतीय लोग भी हिस्सा ले सकते थे। ये हम अभी आगे पढ़ लेंगे कुछ मिनट बाद, कहां पर, चार्टर एक्ट में। और इसका रिटर्न एग्जाम 1854 में पहली बार भारत में हुआ, पहले केवल लंदन में होता था, अब भारत में भी एग्जाम होना शुरू हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे आते हैं, तो इसने देखो ब्रिटिश रूल का कंसोलिडेशन किया, ज्यादा इसने एरिया नहीं बढ़ाया, पंजाब वाला एरिया बस इसने अपने अंडर में ले लिया, उसके अलावा इसने और कोई एनेक्सेशन नहीं किया, लेकिन पंजाब अपने आप में बहुत बड़ा प्रांत था। सेंट्रलाइजेशन किया इसने पावर का, इसको पसंद नहीं था कि बॉम्बे, मद्रास ये सब अपने कानून बनाए, तो इसने ज्यादातर पावर गवर्नर जनरल या कैलकटा के पास रखने की कोशिश करी। पंजाब जो कि एक न्यूली अक्वायर्ड टेरिटरी था, वहां पर इसने नॉन रेगुलेशन सिस्टम स्थापित करने की कोशिश करी, जिसके तहत पावर्स दिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कमिश्नर्स को पोस्ट कर दिया गया, और कमिश्नर डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते थे, कलकत्ता में गवर्नर जनरल को। तो जैसे आमतौर पर अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी ना, तो पंजाब में कोई डायरेक्टली कोई प्रेसिडेंसी नहीं बनी, हालांकि कुछ समय बाद ये सिस्टम फेल हो गया था, तो इसीलिए अल्टीमेटली वहां पर प्रेसिडेंसी जैसा सिस्टम या एक अलग प्रांत बना दिया गया पंजाब को, प्रोविंस बना दिया गया, लेकिन शुरुआत में कुछ साल के लिए जब एंग्लो सिख वॉर खत्म हुआ था उसके बाद नॉन रेगुलेशन सिस्टम वहां पर चलता था। तो जो मेजर पावर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वो कमिश्नर के पास थे, उसके अलावा जितने भी पावर हैं जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू के, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में दे दिए गए। डलहौजी जब भारत आया था तब ब्रिटिश हुकूमत के पास में ये पंजाब सिंध वाले प्रोविंसेस नहीं थे, लेकिन उसके कार्यकाल के दौरान ये सारा एरिया इनके पास आ गया था, सिंध तो आ ही गया था पहले, पंजाब भी आ गया। कुल मिलाकर ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है ये आप देखो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ एक्सपांड कर रहा है ना, ये सब एरिया भी तो लाल हो गया। तो डलहौजी ने ये रियलाइज किया कि हमें यहाँ पर भी स्ट्रांग मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए, अभी तक उनकी सारी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ बंगाल में, मद्रास में या बॉम्बे में थी। तो डलहौजी ने क्या करा कि एक रेजिमेंट को, एक आर्टिलरी रेजिमेंट को पूरा वहां मूव कर दिया। तो उसने बंगाल आर्टिलरी का हेडक्वार्टर कलकत्ता से शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया, मेरठ, दिल्ली के पास, और बाद में आगे चलकर मेरठ 1857 की क्रांति का एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी बना। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे डलहौजी ने जब आर्मी यहां पर मूव कर दी
तो बाद में उसको इनका फायदा भी हुआ, नुकसान भी था। ब्रिटिश ये जो सिपाही थे सब जगह इन्होंने बगावत करी, लेकिन फायदा भी था, सेंटर्स एस्टैब्लिश थे तो इनको कम्युनिकेट करने में, जल्द से जल्द बगावत को खत्म करने में फायदा रहा। शिमला को इसने समर कैपिटल बना दिया था, हालांकि ऑफिशियली 1862 में बनाया गया था, लेकिन इसके समय में शिमला में कामकाज होना शुरू हो गया था और आर्मी का हेडक्वार्टर शिमला मूव कर दिया गया। ये भी याद रख लेना, आर्मी हेडक्वार्टर ब्रिटिश का हमेशा शिमला था। आज भी हमारी जो ट्रेनिंग कमांड है वो शिमला में हेडक्वार्टर्ड है, आर ट्रैक। फिर एक नई गुरखा रेजिमेंट रेस करी गई, पहले से गुरखा सर्व कर रहे थे आर्मी में, लेकिन एक नई गुरखा रेजिमेंट इसने बनाई और अगेन 1857 में ये काफी इनको हेल्प करती है और ट्रूप्स का मूवमेंट इसने नॉर्थ और वेस्ट की तरफ करवा दिया। लेकिन डलहौजी का सबसे चर्चित और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्रशासनिक कदम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भारत में लेकर आना। अब डलहौजी ने प्रशासन को, भारत की शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए चाहे कितने ही कदम उठाए हो, उसको आज इतिहास की किताबों में याद रखा जाता है या जाना जाता है ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये इसकी सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा आलोचना करी जाने वाली पॉलिसीज है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 12 में, तो मैं डिटेल में फिर से नहीं जाऊंगा। आई होप आपको ये याद होगी कि क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके पॉलिसी के तहत इसने सतारा, जैतपुर, बागात, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसी रियासतों का विलय करके उनको डायरेक्टली ब्रिटिश हुकूमत के अधीन कर दिया। और इनमें भी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था अवध का एनेक्सेशन। तो 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को डलहौजी का लेटर जाता है और कहा जाता है कि आपको तो नाच गाने से फुर्सत नहीं है, आप हो बड़े आर्टिस्ट, आप अपने दरबार में केवल कथक करवाते रहते हो, आपको पता नहीं है अवध में क्या चल रहा है, आपका रूल बहुत ही खराब है, लोग आपसे नाराज हैं, तो इसीलिए हम मिस रूल के कारण या फिर खराब प्रशासनिक व्यवस्था के कारण आपका शासन आपके हाथ से छीन कर अपने हाथों में ले रहे हैं। और इससे अवध काफी नाराज हो गया क्योंकि अवध इनका सबसे पुराना दोस्त था। याद करो 1765 ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, उस समय से अवध इनका दोस्त है, तब से इनको आर्मीज की मदद करी जा रही है। इनफैक्ट पूरा भारत इन्होंने अवध की आर्मीज के साथ फतेह किया था। और अब 1856 में डलहौजी क्या कहता है कि आपके हाथ से रूल छीन लेंगे, तो फिर भी वाजिद अली शाह कुछ कर नहीं पाए। वाजिद अली शाह को पेंशन ऑफ करके कलकत्ता भेज दिया गया, हालांकि इनकी जो वाइफ थी है ना बेगम हजरत महल, वो काफी कुछ करती हैं 1857 की क्रांति में। तो ये अवध का जो एनेक्सेशन था इससे लोग काफी नाराज हो गए थे क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा झटका था कि अवध को कैसे एनेक्स किया जा सकता है। तो वाजिद अली शाह का नाम याद रखना, ही वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। और ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, ये सत्यजीत रे की एक फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, कभी समय हो तो जरूर देखना, बहुत प्यारी फिल्म है, उसमें इन्होंने ये पूरा घटनाक्रम बताया है शतरंज के माध्यम से। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म, कैसे दिखाते हैं उसमें कि नवाब वाजिद अली शाह जो है वो कैसे अवध को हार जाते हैं ब्रिटिश हुकूमत से। डलहौजी के समय की जो इंपॉर्टेंट लड़ाइयां थी उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर, पंजाब का एनेक्सेशन कर लिया इसके बाद, और उसके बाद ही उसको अर्ल से मार्क्वेस की उपाधि दे दी गई। और सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर भी इसी के समय हुआ था। और ये वाली लड़ाई तो बिल्कुल गलत मानी जाती है क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई कारण नहीं था अटैक करने का, बिल्कुल इन्होंने रीजन ढूंढ के निकाला है कि अटैक कैसे करें, और पेगू चाहिए था इनको, इसीलिए सारा अटैक किया गया था। डलहौजी की नीतियां इतनी एग्रेसिव क्यों थी, क्यों वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आया और इतने सारे रियासतों का विलय कर लिया, क्यों पंजाब पर उसने अटैक किया, क्यों उसने बर्मा को एनेक्स किया, इसके पीछे इतिहासकारों ने काफी कुछ लिखा है। और जो मेजर रीजंस बताए हैं उनमें से कुछ को मैं यहाँ समराइज कर रहा हूँ। पहला, डिफेंस। तो देखो, रशिया से हमेशा से खतरा था, पूरे 19वीं सेंचुरी में ग्रेट गेम चल रहा था। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैप के माध्यम से भी वो बात समझाई थी। तो डलहौजी को भी जेन्युइनली लगता था कि पंजाब के थ्रू आक्रमण हो सकता है, रशिया अफगानिस्तान से एंटर करने की कोशिश करेगा, इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करेगा, यानी ब्रिटिश हुकूमत पर। तो इसीलिए इंपीरियल डिफेंस यानी कि कॉलोनी के डिफेंस के लिए पंजाब उनके पास होना बहुत जरूरी है, और यही सोच अफगानिस्तान के लिए भी थी। दूसरा, उसको जेन्युइनली लगता था कि ये जो नवाब, राजा, महाराजा हैं ये ढंग से रूल नहीं कर रहे हैं, और इनसे कई गुना बेहतर रूल मैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कर सकता हूं, इसीलिए उसने ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगाई। और उसको एक्चुअली में लगता था, वो खुद लिख के भी गया था कि मैं जनता के फायदे के लिए कर रहा हूं, कि आई वॉन्ट टू अर्न द गुडविल ऑफ पीपल। लेकिन कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सब तो बस सतही बातें हैं, एक्चुअल रीजन ये था कि उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे और एग्रेसिवली चाहिए थे। बर्मा में भी, चाहे वो पंजाब हो, इतना बड़ा प्रांत है, इतना फर्टाइल प्रांत है, कितने सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, इतना सारा अनाज मिलेगा, नया मार्केट मिलेगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। तो ये एग्रेसिव पॉलिसी इसलिए थी बिकॉज ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ बिजनेस। तो देखो, अब डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी है उस पर इस तरह का सवाल मेंस में आ भी चुका है कि क्या ये सही था, क्या ये गलत था। अगर आप आजाद भारत की नजर से देखो तो कहीं ना कहीं आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम हैदराबाद, जूनागढ़ या कश्मीर जैसे रियासतों के साथ आई, वैसे कम से कम 50 प्रॉब्लम्स आ सकती थी या 15-20 आ सकती थी अगर डलहौजी ने इतने एनेक्सेशंस नहीं किए होते। तो ये वाला एक एंगल हो सकता है, लेकिन अगर आप उन रियासतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो गलत ही था। अब नवाब वाजिद अली शाह सोच रहे हैं कि भाई मेरी क्या गलती है, अचानक मेरे को यहाँ से हटा दिया गया। जबकि ये बात भी मैं आपको बता दूं कि वाजिद अली शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना भी कोई खराब नहीं था, बस जो वहां पर जो लोकल रेजिडेंट था ना उनके दरबार में, अवध के दरबार में,
वो डलाउजी को इस तरह की चिट्ठियां लिखा करता था कि ये नवाब सिर्फ नाच गाने में बिजी है और एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट गुड, जबकि एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बाद में कई हिस्टोरियंस ने बात मानी है। फाइनली आते हैं हम इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक पर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आपको याद है ना 1833 में आखिरी चार्टर एक्ट आया था, 20 साल के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पॉलिसी दे दी थी कि चलो 20 साल आप और भारत में संभाल लो। लेकिन अब चार्टर एक्ट 1853 आखिरी चार्टर एक्ट है कंपनी का। इस चार्टर एक्ट की खास बात यह थी कि इन्होंने पहली बार कंपनी को कोई भी टाइम नहीं दिया। इसमें टाइम मेंशन नहीं था कि आपके पास 20 साल और हैं, 10 साल और हैं, नहीं, कहा था कि बस जब तक हमारी मर्जी होगी तब तक हम रखेंगे। और ये वाला जो है ना, देख लो पॉइंट अभी पहले देख लो, डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स। और एक और इंपॉर्टेंट चेंज था शब्दावली में, इस बार ये कहा गया था कि आप भारत में जो भी हुकूमत कर रहे हो इट इज इन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ये सब आप ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश रानी के बिहाफ पर, उनके लिए आप वहां पर शासन व्यवस्था संभाल रहे हो। तो इंडियन टेरिटरीज आर इन ट्रस्ट विथ EIC फॉर द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि रूल तो हमारा ही है लेकिन बस आपको हमने बिठा रखा है कि ठीक है अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है या टाइम नहीं है कि हम जाके वहां पर डायरेक्ट रूल करें, तब तक आप संभाल लो। और ये भी इन्होंने चेंज कर दिया 1858 में, क्रांति के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और ये पूरा सिस्टम खत्म करके वाइस रॉय अपॉइंट करने शुरू कर दिए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बदलाव भी थे। इसमें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिस्से का काम था केवल कानून बनाना और दूसरे का काम था उन कानूनों को लागू करना, इंप्लीमेंट करना। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, देख रहे हो आप धीरे धीरे हमारी पॉलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट किए जाते हैं और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको कहा जाने लगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 नए मेंबर जोड़े गए उस काउंसिल में, टोटल मेंबर अब कितने हो गए, 10, पहले कितने थे 4, तो अब 6 हो गए। और ये 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा थे, इनका काम है कानून बनाना, बाकी के 4 एग्जीक्यूटिव का काम करते थे। लंदन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसकी संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई, याद है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भूल मत जाना, बार बार याद दिला रहा हूं। फिर ये जो लेजिस्लेटिव विंग था काउंसिल का जिसमें 6 मेंबर थे, ये अपने आप में एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी क्योंकि इनका काम क्या है, कानून बनाना, और इनका प्रोसीजर बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह चलेगा। वैसे ही वहां पर सब वोटिंग होगी, कानून लाए जाएंगे, टेबल होंगे, बिल होगा, फिर वो बनेगा एक्ट, वो सारा काम पार्लियामेंट की तरह किया जाएगा। लेजिस्लेशन वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार किसी ब्रिटिश कानून में पार्लियामेंट्री फंक्शन को, लेजिस्लेटिव फंक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल के पास अच्छी खासी पावर है, वो किसी भी बिल को वीटो करके रोक सकता था अगर उसको अच्छा नहीं लगे। 1853 के कानून ने पहली बार ओपन कंपटीशन की व्यवस्था करी। ओपन कंपटीशन का क्या मतलब है कि रिटन एग्जाम होगा सिविल सर्विसेज के लिए, आओ बैठो एग्जाम में, जिसका अच्छे नंबर आएंगे वो बनेगा सिविल सर्वेंट। तो ओपन कंपटीशन हो गया, पहले ओपन नहीं होता था, वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो पसंद था उसको वो ले लेते थे सर्विस में, भाई भतीजावाद चलता था। तो इसकी व्यवस्था वैसे 1833 में भी करी गई थी लेकिन एक्चुअली में वो इंप्लीमेंट हो नहीं पाया था बिकॉज लंदन में उसके खिलाफ काफी विरोध था। लेकिन 1853 में एक्चुअली में ओपन कॉम्पिटिशन होता है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज के लिए, और 1854 में उसके लिए एग्जाम भी होने लग गया और अब इसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था, कमेंट में बताइए उनका नाम, है ना। वैसे आगे वाले लेक्चर्स में मैं भी बता दूंगा लेकिन आपको मुझे अभी बताना है। 1854 में मैकॉले कमेटी, इसका पूरा नाम था कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, इसको अपॉइंट किया गया, है ना, ये वही मैकॉले हैं, लॉर्ड मैकॉले, मिनट वाले। उसके बाद लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लोकल का मतलब ये नहीं है कि भारतीय आप और मेरे जैसे लोग, ब्राउन चमड़ी वाले लोग इस काउंसिल में बैठेंगे, जी नहीं, लोकल का मतलब यहां पर है बॉम्बे, मद्रास, आगरा प्रेसिडेंसीज, यहां की जो लोकल सरकार है उनको भी कलकत्ता की काउंसिल में नेतृत्व दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ठीक है। तो एक बंदा, एक नुमाइंदा आगरा का, एक नुमाइंदा मद्रास का, एक नुमाइंदा बॉम्बे का इस सेंट्रल काउंसिल में बैठेगा। 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो इसी के साथ डलहौजी का कार्यकाल खत्म होता है। 1856 में फरवरी के महीने में डलहौजी रवाना हो जाता है इंग्लैंड के लिए। अभी इसकी उम्र कितनी है, केवल 44 साल की उम्र है। क्या क्या सपने देखे होंगे डलहौजी ने, इतना शानदार कार्यकाल पूरा करके जा रहा हूं, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कम से कम एक सीनियर मिनिस्टर तो बनना मेरा तय है, MP तो मेरे को ऐसे ही बना देंगे, है ना, रानी मेरे को खुद बुलाकर और भी कोई बड़ी उपाधि दे सकती है, मतलब जेन्युइनली वो ये सब सोच रहा होगा आई एम श्योर, क्योंकि जो अच्छा काम करके जाता था भारत में उनको काफी आगे अच्छे पद मिले थे। याद है ना आपको, रिचर्ड वेलेस्ली आगे जाकर फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर बन गया था, आर्थर वेलेस्ली प्राइम मिनिस्टर बन गया था। तो इसने भी सपने देखे थे डलहौजी ने कि मेरा बहुत शानदार पब्लिक करियर रहेगा, एकदम धूम मचा दूंगा इंग्लैंड जाकर। लेकिन बेचारा जब ये इंग्लैंड पहुंचा और उसके कुछ ही महीनों बाद क्या शुरू हो जाती है, 1857 की क्रांति, बगावत,
और इस बगावत के कारण डलहौजी पर इतने आरोप लगाए गए, डलहौजी के खिलाफ सब खड़े हो गए कि ये सारी डलहौजी की गलती है, पता नहीं 8 साल क्या करके आया। डलहौजी बेचारा सोचता रहा मन ही मन कि मैं तो डेवलपमेंट करने गया था और ये देखो लोग मेरे को क्रांति का दोष दे रहे हैं। तो ये बेचारा चुपचाप अपने घर पर रहने लगा। इसने पब्लिक लाइफ में उसके बाद कभी कदम नहीं रखा और 1860 में बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी जवान था, हार्डली 40, कितनी एज हुई इसकी, 47-48 की एज में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से एक इलस्ट्रियस करियर बनाने से पहले ही ये मर जाता है। डलाउजी के बाद आता है नया गवर्नर जनरल चार्ल्स कैनिंग। कैनिंग इसलिए फेमस या इनफेमस है क्योंकि इसके समय में 1857 की क्रांति होती है और 56 से 58 तक ये कहलाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत ऑफिस का नाम बदलकर रख दिया गया वाइस रॉय। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल था और पहला वाइस रॉय था और ये यहाँ पर था 62 तक। तो 6 साल तक कैनिंग भी रहा था। मतलब देखो बगावत जिसके अंडर में हुई उसको नहीं बदला गया, लेकिन वहां पर डलहौजी को इतनी गालियां पड़ी लंदन में कि बेचारा घर के बाहर नहीं निकल पाया कभी। खैर कोई बात नहीं, याद रखना कि इसके समय में कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज की स्थापना होती है और विडो रीमैरिज एक्ट भी इसी के कार्यकाल में ऑफिशियली पास होता है, लेकिन सारा श्रेय डलहौजी ले गया क्योंकि ड्राफ्टिंग उसके समय में हुई थी। जाते जाते एक छोटा सा शानदार ट्रिविया, लेडी कैनिंग जो थी यानी इसकी चार्ल्स कैनिंग की वाइफ, उसको बंगाली गुलाब जामुन बहुत पसंद थे और इतने पसंद थे कि उसके पीछे मिठाई का नाम ही लेडी कैनिंग रख दिया गया और इस नाम को बदल कर या थोड़ा सा चेंज करके आज भी इस्तेमाल किया जाता है लेडी कैनी के रूप में। तो बंगाल में आज भी गुलाब जामुन को लोग लेडी कैनी कहते हैं, जो कि लेडी कैनिंग का एक मिसप्रोनंसिएशन है। और कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, जिसकी चर्चा मैं पहले भी अपने एक दो लेक्चर्स में कर चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं इस तरह की पेंटिंग्स अभी भी बन रही हैं। तो ये एक मुगल प्रोसेशन है, अब तो दो हाथी बचे हैं उनका, क्योंकि याद है ना कहाँ से कहाँ तक है उनकी सत्ता मुगल एम्पायर की, दिल्ली से पालम तक, केवल एयरपोर्ट तक। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्री टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए, मैंने स्टार्ट करवाई है। इसमें जो टॉप रैंक लेकर आते हैं उनके पास अच्छे रिवॉर्ड्स जीतने का भी मौका है। डेली 12:30 बजे लाइव हो जाती है, सेक्शनल टेस्ट आते हैं, 30 क्वेश्चन है, 10 मिनट में आप खत्म कर सकते हो चाहो तो। इस लेक्चर का पीडीएफ और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल या मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल महिपाल राठौड़ पर भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर। हैव अ ग्रेट डे।